नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ आंगनबाड़ी केंद्र छावनी लाइन पर सोमवार को सदर विधायक डॉक्टर संगीता बलवंत ने फीता काटकर किया। इसके बाद विधायक ने गर्भवती सुषमा और नीलम की गोद भराई में पोषण युक्त सामग्री प्रदान की। इसके पश्चात केंद्र पर आए आर्यन, कार्तिक, पीहू और ऋतिका को भारतीय परंपरा के अनुसार पोषण युक्त सामग्री से बने हुए खीर को खिलाया। साथ ही बालिका अर्पिता का पहला बर्थडे भी इस केंद्र पर केक काटकर मनाया गया। पोषण माह 2020 का मुख्य उद्देश्य सैम बच्चों की पहचान कर उनका चिन्हांकन करना और किचन गार्डन को बढ़ावा देना है। विधायक डॉक्टर संगीता बलवंत, जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य और मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता द्वारा किचन गार्डन में तुलसी, सहजन और गिलोय का पौधा लगाया गया, ताकि कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर ही पोषण युक्त खाद्य सामग्री मिल सके। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के अधिकारी व अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी ABSA की मौजूदगी के अतिरिक्त प्रभारी DPO प्रशांत कुमार, जिला स्वास्थ्य भारत प्रेरक जितेंद्र गुप्ता आदि मौजूद रहे। गाजीपुर शहर कोतवाली क्षेत्र के आदर्श गांव में स्थित छेदी बाबा मंदिर परिसर में सोमवार की सुबह एक बच्ची तुलसी का पत्ता तोड़ने के लिए गई थी। इसी दौरान परिसर में स्थित पेड़ की टहनी में रस्सी के सहारे एक युवक का शव लटकता देख चीखते हुए वहां से भागी। इसकी जानकारी लोगों को दी। मौके पर सैकड़ों लोग पहुंच गए। देखा कि इसी गांव के निवासी स्वर्गीय लल्लन साहनी का पुत्र रंजीत उर्फ भोलू उम्र 18 पेड़ की टहनी से संदिग्ध अवस्था में लटका था। मृतक के पैर से खून निकलने और पैर जमीन से सटा होने पर लोग हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे थे। सूचना मिलते ही सदर कोतवाली दिलीप सिंह और गोरा बाजार चौकी प्रभारी अनुराग गोस्वामी मौके पर पहुंच गए। पुलिस द्वारा वीडियोग्राफी के बीच शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया गया है। इस संबंध में कोतवाल दिलीप सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व में कासिमाबाद चौराहा पर सोमवार को शिवसेना के प्रवक्ता संजय रावत का पुतला फूंका गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि जब से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, तब से अब तक उस हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए उनके और उनकी सरकार द्वारा पूरा प्रयास किया गया। जो लोग भी सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में बोल रहे थे, उनका सत्ताधारी लोगों ने अपने सत्ता के मद में चूर होकर उनकी आवाज को दबाने का काम किया। पुतला फूंकने वालों में ब्लॉक प्रभारी भूपेंद्र सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष अवधेश सिंह, पंकज सिंह, अभिषेक सिंह, जिला प्रचार मंत्री सतीश सिंह, खरमंडल सिंह आदि लोग शामिल रहे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के विरोध में सातवें दिन सोमवार को भी जनपद में उपखंड स्तर पर 9 जगहों पर शाम 4 से 5 बजे तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के प्रस्ताव पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया। इस मौके पर संयोजक निर्भय नारायण सिंह ने जमानिया डिवीजन पर संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वांचल के निजीकरण के फैसले से कर्मचारियों के भविष्य के सामने अंधेरा दिखाई दे रहा है। इस मौके पर अधिशासी अभियंता महेंद्र मिश्र, सुदर्शन सिंह, सहायक अभियंता विजय यादव, श्याम नारायण, गुप्तेश्वर सिंह, जेई तपस कुमार आदि उपस्थित रहे। गाजीपुर शहर के एक मोटेल में सोमवार को जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश शाखा गाजीपुर द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें संगठन के पूर्वांचल अध्यक्ष इंजीनियर शत्रुघ्न यादव ने कहा कि आज जबकि पूरा देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया कोविड-19 के वैश्विक महामारी से व्यापक चुनौतियों के दौर से गुजर रही है, इस महाचुनौती काल में समस्त निजी संस्थाएं घरों में कैद हैं। बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को निजी घरानों के हाथों में सौंपे जाने का प्रयास किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मौसम के प्रतिकूलताओं अथवा कोविड-19 के चुनौती काल में भी जान की परवाह किए बिना धरातल पर कार्य करने वाले संवर्ग अवर अभियंताओं, प्रोन्नत अभियंताओं के जायज मांगों का निस्तारण न किए जाने पर उत्तर प्रदेश ऊर्जा प्रबंधन एवं उत्तर प्रदेश शासन का ध्यान आकर्षित कराए जाने को लेकर राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश के समस्त सदस्य दिनांक 8 सितंबर से अगले 48 घंटे तक अनवरत सत्याग्रह करेंगे। इस मौके पर जनपद अध्यक्ष संतोष कुमार मौर्य, संजीव भास्कर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि चौरसिया, मिथिलेश यादव आदि उपस्थित रहे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।